हेलो हेलो भैया, जय राम जी। मैं ग्राम अतरिया से राम स्वरूप बोलत हूँ। जय राम जी भैया, कैसे भैया? भैया, तुम्हार गांव से हमार गांव एक पहना आ रहा है भैया। वह बतावत रहा है कि पिछले वर्ष तक गेहूँ की खेती दूसरे विधि से करे रहा था। हाँ भैया, सही बात लाए बता रहे भैया। भैया तो ये साल भी उस विधि से खेती कर दे। हाँ भैया, मैं ये वर्ष भी उस विधि से खेती करूँ। अच्छा भैया, तब विधि के बारे में जानकारी दे सकते हैं? हाँ भैया, कल आवे मैं सब कुछ तो मैं बता दूँ। ठीक है भैया, मैं कल सुबह तुम्हारे घर पहुँच जाऊँ। हाँ भैया। कहाँ गए यार भैया? जयराम जी, जयराम जी। आ यार भैया, इसी बैठा रहे। कैसे पहुंचे रहे भैया? अरे कल मैं चाहूँ फोन कर रहा हूँ और जब आए। हाँ अच्छा, तय बात करते रहा ना। हाँ बस खेत जाए कि नहीं, तैयार करता रहूँ भैया मैं। हाँ ठीक है भैया। एक एकड़ में कितना बीज लगेगा यार? 12 से 15 किलो लगभग बीज लग जाएगा। अच्छा, 12 किलो भैया। कितना जगह में अभी बीज से खेती करे भैया? 25 डिसमिल में खेती करे। हाँ भैया, 25 डिसमिल के लिए 3 किलो गेहूँ, 4 बीज लगते भैया, और यह खाद। यह वाले खेत लाए भैया, गेहूँ के लिए तो मैं तैयार करे हूँ। तो यही खेत है भैया? हाँ भैया, यही खेत है यार। ना भैया, खेत ला कई बार जुताई करे? 3 बार जुताई करे हैं भैया, फिर एक बार लगाए हैं गेहूँ। हाँ भैया, तब मुँह ला बता दिए कैसे कैसे लगाए से गेहूँ ला। तब मुँह लगा हूँ अपन खेत में वही विधि से। ठीक है भैया, ये विधि ले तोला मैं बता दूँ कैसे कैसे लगाते हैं तेला। यह विधि से खेती करे में कौन कौन सा सामान की जरूरत पड़ता है भैया? सबसे पहले भैया प्रमाणित उपचारित बीज खरीदना पड़ता है, और खाद की जरूरत पड़ता है, और लंबा रस्सी की जरूरत पड़ता है भैया। न भैया, यह बीज ला बोए नहीं तो प्रमाणित बीज के उपयोग कहला करना चाहिए? भैया, यदि हम प्रमाणित उपचारित बीज लबोत हैं तो भैया पौधा अच्छे से तैयार होता है, और पौधन में कोई प्रकार की बीमारी न हो। यदि भैया हम घर के बीज ला बोत हन, तो बीज उपचार कर लेना चाहिए या अंकुरण परीक्षण कर लेना चाहिए, उसके बाद ही घर के बीज ला बोना चाहिए। हाँ भैया, सबसे पहले रस्सी ला खेत में लमाए ला पड़ता है, तनक लमवा दे भैया। भैया रस्सी ला काहे लमात? भैया रस्सी लमाने के 2 कारण हैं। इससे लाइन सीधे बनता है, और निश्चित दूरी पर हम बीज डाल देते हैं उच्च के आधार से। भैया सबसे पहले हम निश्चित दूरी में खाद ला डाल देते हैं। जहाँ हम भैया खाद डाले हैं, वहाँ 2-2, 3-3 दाना गेहूँ बीज ला डाल देते हैं।
भैया गेहूं के दाना लाता है कितना कितना दूरी में डाले हैं? भैया बीजला हम 1 फीट के दूरी में डाले हैं। भैया एक खाद और गेहूं बीज ला डाले ने तो पूरा ऊपर ही दिखते, इसको कैसे करने पड़ी? हाँ भैया, जहाँ जहाँ दाने डाले हैं तहाँ तहाँ मिट्टी से ला दबाओ। ना भैया, जोन विधि से तो खेती करता वह विधि के नाम का? भैया यह विधि ला SWI विधि कथे। SWI विधि काहिन होते भैया? भैया SWI विधि गेहूं बोआई के उन्नत तरीका है, जेमा खेत मा गेहूं ला लाइन से 1-1 फीट के दूरी मा लगाए जाते है। अच्छा भैया, हाँ हाँ हाँ, अच्छा भैया यह विधि के बारे में तो कहाँ से जानकारी मिली? भैया यह विधि के बारे में मोला जानकारी तोर भाभी से मिली है। भाभी ले कहाँ से मिल गए भैया यह जानकारी? तोर भाभी जी का समूह में है, स्व सहायता समूह का बैठक लगे रहा है, तब तो तोर भाभी गए रहे था जीव का परियोजना के साहब आ रहे हैं तेना यह जानकारी तोर भाभी ला दे रहे हैं। हाँ अच्छा, होना दे रहा है ये जानकारी ले। हाँ भैया होनी क्या जानकारी ले दे रहे हैं तुर भाभी ला। तो भैया यह विधि से खेती करने में कहीं कहीं फायदा है? हाँ भैया यह विधि से खेती करे में बहुत से फायदा है भैया। भैया पहले कम खाद और कम बीज लगता है, दूसरा पेड़ अच्छा बनता है और कोई प्रकार के उमा रोग न हो, उससे हमला उत्पादन अधिक होता है। भैया मोला इतना अच्छी जानकारी देने के लायक बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। यह सब किसानों ने यह विधि से खेती करना चाहिए, कारण कि यह विधि में कम लागत लगता है और उत्पादन ज़्यादा होता है।